मंदसौर जिले के पीपलिया मंडी में सोमवार को गोली चलने से सनसनी फैल गई। हालांकि गोली बोलेरा वाहन पर लगी जिसमें कोई जख्मी नहीं हुआ। गोली चलने का कारण खेत के पास गड्ढा खोदा जाना बताया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार शाम 5 बजे करीब बोलेरो वाहन पर गोली मारने की सूचना पर मालिश समाज के लोग पीपलिया पुलिस चौकी पहुंचे। वहीं पीपलिया कृषि उपज मंडी गेट के दो सामने कॉलोनी में निवासरत रंजीत सिंह सक्तावत व टीला खेड़ा निवासी पिता भवरलाल यादव खेत के पास गड्ढा खोदे जाने को लेकर विवाद हुआ था। माली परिवार के कुछ लोग शाम को पीपलिया पुलिस चौकी पहुंचे। यहां पर चौकी प्रभारी आशू कुमार शुक्ला से होली चलाकर हत्या के प्रयास की शिकायत करते हुए प्रकरण दर्ज करने की मांग की। दिनेश जी, किस बात को लेकर विवाद हो, किससे विवाद हो और क्या मामला? वो रंजीत सिंह पिता, क्या नाम उसको, जसवंत सिंह से विवाद हुआ था कल शाम को। उसने अपने खेत के पास में पोल गाल रखे थे, उसमें खड्डे खुदवाए थे। उसका बोलना था कि मैं बुरवा दूंगा, तो कल शाम को मैंने बोला यार बन के होकर यार ये खड्डे बुरवा दो। बोला कि तेरी माँ का बहन का नहीं बुरवाऊंगा। मैंने कहा मैं हुकुम करके बात कर रहा हूँ, तरीके से बात करो कि तेरे को ये खड्डे इसलिए तेरे को बुरवाऊंगा इसमें। फिर आज क्या हुआ? आज क्या हुआ? गोली वाली आज मैं खेत पे गया सब्जी लेने, वहां से आते टाइम उसने जन क्या मालूम 5-25 आदमी रख रखे वहां पे। तो वहां से एक आदमी दौड़ के उसने भेजा, इशारा किया जा वो आ रहा। वो दौड़ के आया, दूसरे हाथ में पिस्टल थी उसके, जो उसने एक गोली लगाई जो फाटक में लगी, एक और मैं गाड़ी जोर से निकाल ली तो एक पीछे निकल गई। वो कहाँ चलाई गोली? कितने बजे घटना लगभग? अभी 5 बजे की बात। फिर क्या हुआ? पुलिस ने पंचनामा बनाया है, एसपी साहब आए, इनसे जानकारी हुई है, बातचीत हुई है, इनका कहना है कि गिरफ्तारी करेंगे। अब देखो होता है घटना को कितने दिन? एक मामला संज्ञान में आया, थाने में सूचना हुई, थाने में सूचना उपरांत उसके अंदर FIR प्राथमिक दर्ज कर ली है। विवरण इस प्रकार है कि दिनेश कुमार माली जी ने इस आशय की रिपोर्ट लिखाई है कि थानावेदक के आरोपी पक्ष रंजीत सिंह के द्वारा एक उसके साथी का मिलकर उस पर जानलेवा हमला किया, जो गोली लगी बुलेट लगी उसे बोलेरो गाड़ी की ड्राइविंग सीट गेट पर लगी हुई है। वर्तमान FIR अधिकारी कॉल कर दिया गया है, तो वो आके उसका तकनीकी परीक्षण करेंगे। साथ में मेरे द्वारा है ना दोनों फरियादी पक्ष से बात भी करी है, फरियादी पक्ष ने अपने तथ्य बताए हैं, साथ में उनके जो व्यक्ति थे, जो उनके समाज जन थे या उनके रिलेटिव थे, उन्होंने भी कुछ फैक्ट बताए, उन फैक्ट पर हम लोग ध्यान दे रहे हैं। साथ में जहाँ पर घटना स्थल था वहाँ पर मैंने स्पॉट इंस्पेक्शन किया, लगभग ये 18-18.5 फीट चौड़ी रोड है, उसके दोनों तरफ से कुछ झाड़ियाँ लगी हुई है। साथ में दो बुलेट्स हम लोग को मिली थी, उसको इंसर्कल किया हुआ जहाँ पर बुलेट के शेल पड़े हुए थे, बुलेट के खाली शेल पड़े हुए थे, उनको इंसर्कल किया गया। बाकी हम लोग अधिकारी की मदद से हम परीक्षण करना चाहेंगे कौन सा वेपन था, कितने दूरी से इसको चलाई गई, क्या डायरेक्शन था, इसके बारे में तकनीकी नॉलेजेशन एक अधिकारी से प्राप्त करेंगे। सर एक दिन पूर्व भी सर घटना होती है बीती रात को सर, उसको लेकर उसमें भी आवेदन में शिकायत करते थे, जांच सामान्य धमकी दी थी सर, पुलिस ने अभी तक एक्शन किया था सर। जी एक आवेदन पत्र इस आशय का कल इन लोगों ने दिया, दोनों पक्षों के बीच में बात हुआ है, मैंने चौकी प्रभारी पूछा है, लोगों ने उसके वर्तमान में जांच चली रही, क्योंकि आज वही फरियादी पक्ष के लोग थाने पर रिपोर्ट कराने पहुंचे। चौकी प्रभारी अशोक कुमार शुक्ला ने बताया कि गोली चलने की शिकायत करने कुछ लोग आए हैं, जांच की जा रही है। इधर रंजीत सिंह का कहना है कि मैंने गोली नहीं चलाई, गोली चली या मेरी जानकारी में नहीं है, मैं तो बाहर हूँ। वही रात्रि में एडिशनल SP मनकामना प्रसाद भी घटना स्थल पर पहुंचे तथा घटना स्थल का मौका मुआयना किया। न्यूज इंडिया 9 मंदसौर से संजय सिंह डांगी की रिपोर्ट।